गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? चलिए हम स्टडी शुरू करते हैं. क्लास एल के जी की स्टडी शुरू करते हैं. क्या नाम है बुक आपका? ऑल इन वन. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसमें हिंदी का सब्जेक्ट. क्या है सब्जेक्ट हमारा? हिंदी है. वीडियो नंबर कौन सी है हमारी? 19. कौन सी वीडियो नंबर है? 19 है. ठीक है, तो देखते हैं हम 19 में कौन सा अक्षर पढ़ेंगे. आपने न तक पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे प से. देखिए प से क्या होते हैं. प से पहिया, प से पतंग, प से पत्ती. ठीक है, तो हम देखिए क्या है पहिया. आपने देखा भी होगा कि पहिया का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. आप मुझे बताएंगे, मैं आप लोग के लिए आप खुद पूछेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है. ये आपकी जब वीडियो कॉलिंग क्लास होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि ये पहिया का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है. ठीक है, पासे पतंग, ये आपका पता है, पतंग आपने देखा भी होगा, उड़ाते भी इसे. आगे देखते हैं पासे पत्ती. ठीक है, तो जो भी पत्ते होते हैं उसको पत्ते बोलते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं हम फ. फ से क्या क्या पढ़ेंगे. फ से फल. देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फल है ना, वो कितने अच्छे हैं, हमें फल खाने चाहिए. ठीक है, आगे देखते हैं फन. जो सांप होते हैं उनके जो ये निकलती है इसको क्या बोलते हैं, ये निकाल रखा है, क्या है? फन है. ठीक है, आगे देखते हैं फसल. फसल फसल किए जाते हैं ना, तो देखिए गेहूं का फसल है. ठीक है, तो फसल, फन, फन, फल और फसल. हमने फ से भी तीन अक्षर सीख लिए, तीन शब्द सीख लिए क्या क्या होते हैं. ब, ब से बकरी, ब से बस, ब से बस, ब से बत्तख. ब से बकरी, ब से बस, ब से बत्तख. ठीक है, आप ये बताएंगे इसमें कि बस बत्तख कहाँ रहती है और बकरी को क्या खाना पसंद है. ठीक है, दो क्वेश्चन आपके लिए हैं कि बकरी क्या खाती है और बत्तख कहाँ रहते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं हम भ. भ से क्या होते हैं. भ से भवन. भ से भवन. भ से भगवान. भ से भालू. देखिए भालू दिख रहा है आपका, एनिमल से भालू. ठीक है, भवन. भ से भगवान, जिसकी हम पूजा भी करते हैं. आगे देते हैं म. म से मगरमच्छ. म से मछली. म से मटर. मटर तो आप लोगों को पसंद होगा, मटर की सब्जी है ना. म से मगरमच्छ. म से मछली. ये लोग कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं मगरमच्छ और मछली? पानी में. ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया. देखिए प, फ, ब, भ और म. ठीक है, हमने ये पढ़े पांच शब्द पढ़े कि क्या क्या होते हैं. प से क्या होता है, फ से क्या होता है. अब इसको हम एक लय में पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए प, फ, ब, भ, म. ठीक है, आपको एक लय शब्द में ही पढ़ना है. मैं आपको दिखा देती हूँ. प, ठीक है, प, फ, ब, भ, म, म. ठीक है, तो हमने म तक पढ़ लिया. तो आपको क्या करना है, ऐसे ही रीडिंग लगानी और लर्न भी करना है. ठीक है, तो बाय स्टूडेंट.